अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी हैव टेकन द यूनिट नेचुरल रिसोर्सेज। तो कल वाली क्लास में हमने देखा कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक। इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी हैव टेकन द एबायोटिक कंपोनेंट्स। मैंने आपको बताया कि एबायोटिक कंपोनेंट्स की तीन फैक्टर्स हैं, थ्री फैक्टर्स विच कंस्टिट्यूट द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो पहला जो था दैट वाज वेदर, और आई कैन से दैट क्लाइमेट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो क्लाइमेट में जो आते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स, फिजिकल फैक्टर्स, एयर आता है, वेदर आता है, लाइट, वाटर, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं जिनको हमें डिस्कस करना है। तो लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एयर। तो पहला जो फैक्टर है इसमें, क्लाइमेटिक फैक्टर्स में जो पहला कंपोनेंट आता है वो है एयर। एज यू नो फ्रॉम योर बेसिक क्लासेस कि जो एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, दिस मिक्सचर ऑफ गैसेस वी कॉल एज द एटमोसफियर, एटमोसफियर। ठीक, वट दिस एटमोसफियर वी मीन बाई एटमोसफियर, वी मीन द मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ। या हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं एटमोसफियर को, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ सरफेस, या द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ वी कॉल इट एज द एटमोसफियर। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है एटमोसफियर के मुताबिक, मैंने लिखा है कि एटमोसफियर इज़ द मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप। ठीक, मल्टी लेयर्ड गैसियस एनवेलप और ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ वी कॉल द एज एटमोसफियर। तो एटमोसफियर की अगर हम कंपोजिशन देखेंगे, बेसिकली एटमोसफियर जो है इट इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज, बहुत सारी गैसेज मिलकर असल में जो एटमोसफियर बनाती हैं। तो इन गैसेस में जो इसमें मेन गैसेस एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं, इनकी कंपोजिशन परसेंटेज के हिसाब से मैंने यहाँ पे दिखाया है, नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन इज 20.93%, ऑर्गन इज 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.32%, मिसलिनियस गैसेस अलग जो बाकी गैसेस हैं, सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जो वाटर वेपलेट्स एंड डस्ट वगैरह है, वो दैट कंस्टिट्यूट अबाउट 0.02% ऑफ द अर्थस एटमॉस्फेयर। तो फ्रॉम दिस एनालिसिस वी कैन से दैट जो नाइट्रोजन है इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट, व्हाट वी से कैट दिस द मोस्ट जो कहते हैं हम सैंपली, तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है एक्सेस अमाउंट में पाई जाती है अर्थस एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन का जो तनासुब है, नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है ओवरऑल कंपोजिशन में एटमॉस्फेयर के, नाइट्रोजन की जो कंट्रीब्यूशन है इट इज़ अबाउट 78.09%। 78.09% वहाँ पर सिर्फ बचता है 22%। को जो टोटल 100% अगर हम अर्थ एटमॉस्फेयर को लेंगे, उसमें 100% एटमॉस्फेयर में 78.09% जो है नाइट्रोजन है, तो रिमेनिंग जो 22% है वो अदर गैसेज है। तो रिमेनिंग 22% में 20% जो है ऑक्सीजन है, जो ज़्यादा मिकदार में गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में दैट इज़ नाइट्रोजन। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है, उसके बाद तीसरे नंबर पर ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.32%, तो फिर जो बच्ची कुची मिकदार जो रहती है वो अदर केसेस की हैं, उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं, पार्टिकल्स आते हैं, फॉग आता है, बाकी चीज़ें आती। तो इस तरीके से हमें एक बात यहाँ से खूबी एक बात से हम वाकिफ़ होते हैं कि जो नाइट्रोजन है ये एक्सेस अमाउंट में पाई जाती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वेरियस लेयर्स में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो पांच लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। यूजुअली वी टेक
and the 5 layers of atmosphere. These layers, or we call them the zones of atmosphere, these zones are as valley layer, that is troposphere, second layer, that is stratosphere, mesosphere, ionosphere or thermosphere भी इसको हम कहते हैं, और लास्ट वाली लेयर जो है दैट इज एग्जोस्फीयर। तो जो ये ट्रोपोस्फीयर है, ये द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। ट्रोपोस्फीयर ये वो लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसमें हम रहते हैं। इट एक्सटेंड्स अप टू 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बता दिया आपको समझ में, वो सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम ऊपर जाएंगे 20 किलोमीटर तक, तो वहाँ तक ट्रोपोस्फीयर रहेगा। तो ट्रोपोस्फीयर में ज़्यादा मिकदार जो होती है ऑक्सीजन, तमाम गैसेस की मिकदार ज़्यादा रहती है किस में, ट्रोपोस्फीयर में। ऑक्सीजन भी इसमें बड़ी मिकदार में पाया जाता है ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद दूसरी लेयर जो आती है स्ट्रेटोस्फीयर, इट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। उसके बाद देखते हैं मीजोस्फीयर, इट विल एक्सटेंड अप टू 100 किलोमीटर। बेसिकली अप टू 20 किलोमीटर्स वी हैव ट्रोपोस्फीयर, अबाउट 20 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स वी हैव स्ट्रेटोस्फीयर, फ्रॉम 50 टू 100 किलोमीटर्स वी हैव मीजोस्फीयर, एंड फ्रॉम 100 टू 200 किलोमीटर्स ये एक दूसरे के ऊपर ऊपर लेयर्स होंगी। ऐसी ऐसी एक लेयर ये है, दूसरी लेयर ऐसी होगी, तीसरी लेयर ऐसी होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, इस तरीके से ये पांच की पांच लेयर्स होंगी। तो इस तरीके से जो होंगी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इस तरीके से होंगी, ठीक है ना। तो जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी ये लेयर वी कॉल इट एज ट्रोपोस्फीयर, दिस विल बी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयोनोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। Now let us try to have a greater information about each layer separately. तो ट्रोपोस्फीयर की अगर हम बात करेंगे, it is considered the largest layer of atmosphere in terms of mass of the atmosphere. About 80% of total mass of the atmosphere जो है contained है ट्रोपोस्फीयर में। तो याद रखिएगा जो ट्रोपोस्फीयर है ये it is the largest layer of atmosphere. ठीक। तो बात कर रहे थे हम कि ट्रोपोस्फीयर जो है लार्जेस्ट लेयर है, अबाउट 80% ऑफ द मास एटमॉस्फेयर का है, कंटेनर होता है इसी में ट्रोपोस्फीयर में। दूसरी बात, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं वही है ट्रोपोस्फीयर। तो ट्रोपोस्फीयर में हम रहते हैं बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ट्रोपोस्फीयर में रहते हैं। ट्रोपोस्फीयर में बर्ड्स वगैरह फ्लाई करते हैं, प्लेन्स कैन फ्लाई, क्लाउड्स कैन फ्लोट इन द ट्रोपोस्फीयर। तो दूसरी अगर हम बात करेंगे, दूसरी लेयर जो है स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर इट इज़ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज़ एबो द ट्रोपोस्फीयर। तो इस लेयर में ओजोन लेयर है, ओजोन यू नो इट इज़ द लेयर ऑफ ऑक्सीजन, O3 मॉलिक्यूल उसकी ये है, O3 मॉलिक्यूल उसकी एक लेयर है विच सराउंड्स द वॉट वी कॉल ए ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसमें एक लेयर है ऑक्सीजन की O3 मॉलिक्यूल्स की जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन क्या करती है, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक गिफ्ट रखा है ओजोन। ओजोन इट ट्रिप्स द हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्राम सन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जैसी रेडिएशन हैं, अल्ट्रा वायलेट जैसी मौलिक रेज आती हैं सन से, तो जो ओजोन लेयर है ये उन रेज को एब्जॉर्ब करती है, यानी उन रेज को ज़मीन पे आने नहीं देती है। इस तरीके से ओजोन लेयर जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने एक डाल रखी है जो हमें प्रिवेंट करती है इन हार्मफुल रेडिएशन में। तो ये ओजोन लेयर जो है आपको याद रखना चाहिए स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। उसके बाद तीसरी लेयर जो आती है दैट इज़ मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर इज़ कंसिडर्ड द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है अबाउट -90 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर होता है किसमें, मीजोस्फीयर में। इट इज़ कंसिडर्ड द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं इनको, मीजोस्फीयर में कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है, परिंदे वरिंदे प्लेन्स नहीं जा सकती हैं। अप टू स्ट्रेटोस्फीयर प्लेन्स कैन फ्लाई, बट इन द मीजोस्फीयर ड्यू टू द लो टेम्परेचर नथिंग कैन हैपन।
उसके बाद जो फोर्थ लेयर आती है दैट इज आयनोस्फीयर, इसका दूसरा नाम हम कहते हैं थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर इसका इस वजह से नाम है क्योंकि यह ये हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमोसफियर है। तो इसमें जो टेम्परेचर है कैन गो अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर टेम्परेचर जा सकता है आयनोस्फीयर में। तो इसीलिए इसको कहा जाता है थर्मोस्फीयर भी। तो देयर इज़ अ बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर, इस बाउंड्री को कहा जाता है, इट इज़ अ बाउंड्री विच सेपरेट्स स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर को जो अलग करती है बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोपॉज, इसको कहा जाता है। जो लास्ट लेयर है एटमोसफियर की दैट इज एक्सोस्फीयर, एक्सो। एक्सोस्फीयर हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो एक्सोस्फीयर जो है इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो लास्ट वाली लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर। तो इस एक्सोस्फीयर में किसी किस्म का ऑक्सीजन नहीं होता है, नो ऑक्सीजन इज फाउंड इन द एक्सोस्फीयर, देयर इज नो ऑक्सीजन इन द एक्सोस्फीयर। यह स्पेस के नज़दीक है इसलिए इस लेयर में कोई जंदा चीज़ नहीं जा सकता विदाउट ऑक्सीजन। अगर आप जाओ भी जाना भी चाहते हैं तो आपको ऑक्सीजन साथ लेना होगा, कहाँ पर, एक्सोस्फीयर में, ठीक है। और इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, देयर इज नो ऑक्सीजन इन दिस व्हाट वी कॉल एज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इट इज़ क्लोज टू द स्पेस व्हाट वी कॉल। तो इसमें गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हीलियम लाइक गैसेस वहाँ पे मौजूद होती हैं एक्सोस्फीयर में, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन वॉक्सीजन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो फर्स्ट अगर हम देखेंगे इम्पोर्टेंस एक्सोस्फीयर की, क्योंकि अगर हम देखेंगे एक्सोस्फीयर इट इज़ क्लोज, इट इज़ द फर्स्ट, अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ अर्थस एटमॉस्फेयर विच इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। अगर हम देखेंगे ऊपर से तो सन के नज़दीक जो लेयर आ सकती है वो होगी एक्सोस्फीयर। इसलिए पहले ही जो हार्मफुल चीज़ें आती हैं वो एक्सोस्फीयर में एब्जॉर्ब होती। तो एक्सोस्फीयर जो है जो सन की रेडिएशंस होती हैं उनको फिल्टर करके नीचे भेजता है। तो इस तरीके से जो इट इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट सन है, तो हमारे लिए जो प्लैनेट अर्थ है उसके लिए डिफेंस लेयर है अगेंस्ट सन। नंबर टू, इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम मीटर्स, मीटराइड्स एंड कॉस्मिक रेज, जो ऊपर से आती हैं मीटर्स आते हैं, मीटराइड्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं या कॉस्मिक रेज आती हैं, उन वो पहले एक्सोस्फीयर में पड़ती हैं, उनको एक्सोस्फीयर जो है ना उनकी एनर्जी को बहुत कम करता है, उसके बाद वो नीचे अगर आएंगी भी तो ज़्यादा खतरनाक नहीं हो सकती। तो इस तरीके जो एक्सोस्फीयर है अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो आप इन पांच लेयर्स को, जो फाइव लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, इनको कैसे आप याद रखोगे, तो एक एंकरम यहाँ पर मैं एक ट्रिक दिखाता हूँ आपको याद रखने के लिए। तो यू विल रिमेंबर दिस, टॉम सेल्स मिल्क इन एरी, ई आर आई एरी, आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है, आप कुछ भी पढ़ो इसको। तो आप ये फाइव वर्ड्स आपको याद रखने हैं, टॉम सेल्स मिल्क इन एरी, या टॉम सेल्स मिलिक इन यूरोप भी आप लिख सकते हैं। तो आपके देखना जो यहाँ पर इनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, टॉम का टी स्टैंड फॉर ट्रोपोसफियर, सेल्स का एस स्टैंड फॉर स्ट्रेटोसफियर, मिलिक का एम स्टैंड फॉर मीजोसफियर, आई एन इन का आई स्टैंड फॉर आयनोसफियर, एंड इरिक का जो ई है इट स्टैंड फॉर एक्सोसफियर। तो इस तरीके से टॉम सेल्स मिलिक इन एरिक इस तरीके से आप जो है ना फाइव लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को याद कर सकते हैं। तो जो ये वर्ड्स हैं टॉम सेल्स मिलिक इन एरी, इनके जो पहले अल्फाबेट्स हैं दे डिजिग्नेट द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एक ट्रिक है जिसके ज़रिए आप जो क्या कहते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को याद रख सकते हैं। तो इस ट्रिक को प्लीज़ आप याद रखिएगा, तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑटोमेटिकली आपको सीक्वेंस के लिहाज से याद रहेंगे, है ना। तो पहली लेयर है ट्रोपोसफियर, स्ट्रेटोसफियर, मीजोसफियर, आयनोसफियर, एक्सोसफियर। तो तरतीब से ये पांच लेयर्स आपको याद रह सकती हैं कि अगर आपको ये टर्म सेल्स में लेकिन एरी याद रहेगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।